जो मेरे वाले साहब हैं वो ही मेरे लिए गिनीज बुक ऑफ एकेडमी इतनी बड़ी उसके दादा था फो खान, नाना उनके गुलाम अली साहब। और आई फील प्राउड अगर मेरा ब्लड टेस्ट करें ना पॉजिटिव ना नेगेटिव होगा आपको आवाज आएगी कि जिनने लाहौर नहीं तक किया रिदम किया ताऊ साहब ने तो मैडम नूरजहां को भी एक स्टाइलिश आर्टिस्ट बनाया ना वो गुनी थी ताऊ साहब ने तब आज से 40 साल पहले बोला उसकी आंखों पे गाना बनाओ सुन में ब्लोर ये गाना मेरी आंखों पे मेरे वाले साहब ने बनाया आर्टिस्ट और समंदर कभी रुकता नहीं। तो मैंने तो वैसे भी 2025 तक अपना काम कर रखा हुआ है तेरे अभी मेरा गाना लॉन्च होने वाला है नई चीज़ है कि वर्ल्ड आखदा है लाहौर जागदा है। इसके अलावा मैंने अमजद साबरी के बेटे को शिगिर्द किया है। माँ बाप के पास रहने के दो बहुत बड़े फायदे हैं, एक आप बड़े नहीं होते दूसरे वो बूढ़े नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको DS डिजिटल के प्रोग्राम सीकिंग सेलिब्रिटी विद सीकी में सही सीकी खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन आज के हमारे जो गेस्ट हैं आज के जो हमारे सुपरस्टार हैं बड़ी डायमेंशनल पर्सनैलिटी हैं उनको क्या क्या ना कहें, सिंगर कहें, म्यूजिशियन कहें, कंपोज़र कहें और माँ बाप का फर्मा बरदार कहें, बड़ी कमाल की शख्सियत हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिनमें इतनी ज़्यादा खूबियाँ होती हैं। कहते हैं कि इतना मुकम्मल तो कोई भी नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कुदरत अगर मेहरबानी कर दे तो सब कुछ हो सकता है, चूँकि अल्लाह वो कर सकता है जो किसी के वहमो गुमान ना हो। अल्लाह ताला ने बड़ी वसतें अता फरमाई हैं जिन्होंने माँ बाप का अदब किया है, उनके रास्ते खुल जाते हैं, मुश्किल से मुश्किल रास्ते आसान हो जाते हैं। आज की हमारी शख्सियत हमारी पर्सनैलिटी तारिक ताहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। आपकी मेरी मोहब्बत एक अपनी जगह पे है, उसको तो हम डिस्कस करेंगे डेफिनेटली, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जिस ख़ानदान में आपने आँख खोली कितनी खुशबख्त। मैं तो सारी ज़िंदगी सजदे में गिरा रहा हूँ और शुक्राने पढ़ता रहूँ तो काम है कि आई फील प्राउड मैं ताफू खान साहब का बेटा हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा, कभी कभी मैं देखता हूँ मैं शुक्र अदा करता हूँ कि यार मैं किस शख्सियत और थी कि साहब यकीन करे, डर लगता है क्योंकि यार कुछ ऐसा ना हो जाए जैसे मेरे बाप का नाम खराब, यार डरते ही रहता हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे नाम के आगे दुनिया ने नाम, आप लोगों ने नाम लगाया, मैंने नहीं रखा, तारिक ताफू आप लोगों ने लगाया। वो वाली बात है ना कि देखें ये भी एक बहुत प्रेशर होता है कि आप जब बड़े लोगों को मतलब साथ लेकर चलते हैं, उनके नाम को कैरी करते हैं, अपने ख़ानदान के विरसे को साथ लेकर चलते हैं, तो आपके ऊपर बड़ा प्रेशर और बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है। जी सर। कि भाई मेरा एक बहुत बड़ा ख़ानदान है, मैं एक बहुत बड़े बाप का बेटा हूँ, तो मुझे तो कहीं भी कोई गलती नहीं करनी, मिस्टेक नहीं करनी ताकि मेरे बड़ों का नाम जो है वो ख़राब हो। कहते हैं ना कि बड़े दरख्त के नीचे छोटे दरख्त का बढ़ना इतना ही मुश्किल होता है। मुश्किल होता है वो लोग उसको मेहदी हसन साहब का बेटा है गुलाम अली साहब तो उनकी नज़र से देखते हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। वो पूरा उतरना तो फिर खुदा ही है जो कर दे वरना तो बहुत मुश्किल है। फिर किशोर साहब को कहा किसने कि किशोर दा आपका बेटा तो आपके गाने ही गाता, कहते नहीं बेटे बात सुनो अपना रास्ता तलाश करो। हाँ बिल्कुल सही। तो मैंने कोशिश की अपने, पहले तो मैं वेस्टर्न ड्रम आपको तो पता ही था, मुझे पता है। मेरे घर में क्लासिकल तरबियत थी और तबला था, सितारे थी, हारमोनियम था, सीखा सब कुछ है। लेकिन फिर मैं यार थोड़ा चेंज करूँ, फिर वेस्टर्न चीज़ें मैंने सीखी, हालांकि पाकिस्तान में कोई एकेडमी नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं, मेरा जो मेरे वाले साहब है वो ही मेरे लिए गिनीज बुक ऑफ एकेडमी इतनी बड़ी, तो हमें सब कुछ मिला। फिर हमने कोशिश करके अपने वेस्टर्न को क्लासिकल में बदला, फिर आपने तो हर टूर देखा कि मैं बैलेंस कर रहा हूँ, गोरा देख रहा है कि ये 6.25 मात्रे बजा रहा है यहाँ, कह रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 ढे हाँ 11 मात्रे गोरों से दूर है। तो हमने अपनी जिद्दत उनकी
इंस्ट्रूमेंट में अपनी अकल इस्तेमाल की। वो तो मुझे याद है, मुझे बचपन में हम एक जगह पे शो करने के लिए जा रहे थे, तो सुबह सुबह का टाइम था, तो हमने, मेरा ख्याल है शायद बूरबन जाना था, कहीं दूर ही जाना था, तो आपने अपने बेटे को गोद में उठाया हुआ था, तो आपने सात मात्रे का रिदम मुगले ही लगाया, तो उसके ऊपर जो सर मारा है, गोद में उठाए बच्चे को क्या पता है कि सात मात्रे क्या होता है और मुगलई क्या है, मुगलई के मुश्किल मतलब रिदम है। माशाल्लाह, तो उसने सात मात्रे के ऊपर जो सर मारा है, तो फिर ये जाहिर होता है कि ताफो बरादरन सारे गैरतमंद लोग हैं। दुआ है, मेरे दादाजी की दुआ ऐसी है, नस्ल दर नस्ल है, सात नस्लें, वैसे तीन नस्लें तो मेरे घर में, वाह वाह बेशक, थ्री टीज, ताफो खान, तारिक ताफो एंड ताबिश ताफो। ताबिश की बात कर रहे हैं क्योंकि हम, आपको याद होगा वो 14 साल के बाद बड़ी दुआ के साथ पैदा हुआ है, और मैं भी 12 साल फ़कीर बना हूँ, मेरी वालदा ने मुझे बड़ी मदद दी हूँ, अंदर पीरी फकीरी वाले लोग हैं तारे, फनकार तो खुद आपको पता है, फनकार फकीर बनना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल। बाकी पढ़ लिख के हम इंजीनियर भी बनते हैं, पढ़ लिख के डॉक्टर भी बन जाते हैं, ये तो खुदा ही चलता है। बिल्कुल सही, ये बड़ी मुश्किल काम है। बिल्कुल बिल्कुल। और ताबिश की बात कर रहे हैं, ताबिश माशाल्लाह जब गोद में था, मैं ऐसे उसको देखा, मैं ऐसे तो मेरा गाना था हाय हाय, तो उसकी बाकायदा एक्सप्रेशन आते रहते ऐसे, मैं यार ये कैसे फील कर रहे हैं। शायद उसकी वजह यह है कि वो एक प्रोफाइल वाला बच्चा है, मेरी नज़र चलनी थी, मेरे बाप की दुआ, मैंने उसके साथ भी ताबिश ताफो लगाया, ताफो जिंदा रखना है, मैंने तारिक नहीं लगाया, क्योंकि उनकी जूतियों की वजह से ही आज यहाँ तक पहुँच रहे। तो फिर चूँकि वो उसके दादा ताफो खान, नाना उनके गुलाम अली साहब, तो फिर ये चीज़ें तो फिर मौजे से होती है ना, ये बड़ा लकी बच्चा है, बहुत लकी, अल्लाह ताला उसको कामयाब करे। मुझे पता है, जाहिर है, कहते हैं कि बोर्ड की थान तो बोर्ड ही होगा, लेकिन अल्लाह पाक हर शख्स को इतना कुछ नहीं मिलता, ये तो नसीब वालों की बात है ना। जैसे मैडम नूरजहाँ ने कहा था कि किसी के बड़े लोगों ने अगर अपने ज़माने में सुच्चे मोती दान किए हों तो तब आर्ट जो है उनके घर में होता है। तो बड़े लोगों की बड़ी बातें, मगर मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि आपके साथ मेरे बहुत टूर हुए, हमने इकट्ठे काम किए इतने साल, हमने तो हर मौला अली सरकार का फरमान है कि अगर किसी की पहचान करनी हो तो उसके साथ सफ़र करें, उसमें तो आप नंबर वन है। शायद मेरी ऑडियंस को पता नहीं, हमें इनका नाम रखा हुआ है मदर केयर, ये मैंने टाइटल दिया मदर केयर, इसलिए कि इतना बड़ा ग्रुप है तो ये सब पे नज़र रखते हैं, किसी ने लस्सी पीनी, किसी ने दाल, मुझे याद है कैलगरी में आपने क्या पुदीने की चटनी दाल चावल बनाए, तो वो यकीन करें हमने जो वहाँ के जो वेस्टर्न खाने वो हटा के सिक्की साहब की वो बनी हुई पुदीने की चटनी, और सारा ग्रुप और जो हमारी मोहब्बत के सिलसिले, यकीन करें ना ऐसे रिश्ते थे, ना है, ना हो सकते। बस ये अल्लाह की मेहरबानी है, हर शख्स को अल्लाह पाक उसका नीयत का सिला देता है, दिल अच्छा हो, नीयत अच्छी हो, तो डेफिनेटली वो अल्लाह पाक मेहरबानी फरमा देता है। तो तारिक साहब, मुझे ये भी फ़ख्र है और मैं बड़े वसूख से ये कहूँगा कि ये क्रेडिट भी आपको जाता है, क्योंकि आपका सारा घराना तो स्ट्रूमेंटल प्लेयर थे वो। जी जी बिल्कुल, वो तो स्ट्रूमेंट प्लेयर करते थे, लेकिन ये गाने का किस तरह ख्याल आया आपको कि मैं सिंगिंग की तरफ चला? मैं बताता हूँ कि मैंने देखा कि मैंने कंपोज किया इतनी मेहनत की, एक बंदे को सही गाना भी नहीं आता, तो मैंने दिन रात एक करके उसको सेट किया, और पता चला कि मेरे पैसे और उसके पैसे में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और फीलिंग मेरी है, अल्फाज मेरे हैं, गाना मेरा है, म्यूजिक मेरा है, और वो ऑटो करा दे रहा है। खैर, जो आर्टिस्ट होते हैं वो थोड़े गैरतमंद भी होते हैं कि यार ये क्या चक्कर है, तो मैंने फील किया अपने फैमिली में, मैं यार ये ऐसा नहीं, बस वो खुदा की करनी हुई, तो मैं यार कुछ ऐसा कुछ होना चाहिए कि इंसान की अपनी पहचान हो, वरना रफ़ी साहब दो गाने रफ़ी साहब के, चार नुसरत के, दो मेहदी हसन साहब के, ये फनकार नहीं है, इसको हम झूठा फनकार कहते हैं। आर्टिस्ट वो इतना हो, अपना हो, अपना वो उसकी वैल्यू है। सही, वो ये है कि वो जब दुनिया से चले भी जाता है, और आई फील प्राउड अगर मेरा ब्लड टेस्ट करें, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव होगा, आपको आवाज़ आएगी कि जिनने लाहौर नहीं तक किया, ऐसा खुदा ने की, हालांकि हम क्लासिकल बेच आया है और सारा दाम है, लेकिन वो गाना ऐसा आज भी सीखी सब वैसे ही हिट है। जी बिल्कुल, वो डॉक्यूमेंट्री में आ गया, उसका रिकॉर्ड मैंने खुद तोड़ना है, तमाम लोगों ने इतने सारे, मैंने इब्रार का गाना किया, कुड़ियाँ लोर दिया, लेकिन वो मकाम जो है खुदा ने इसको ऐसा बख्शा, मैं उसका तो शुक्र अदा नहीं कर सकता, कि वो उधर का उधर ही गाना है। लोगों की भी कोशिश होती है यार वो लाहौर लाहौर है, पता नहीं क्या है। बिल्कुल, और ये इतना जालिम और इतना प्यारा मेरे दिल के करीब गाना है कि ये मेरे
अच्छे अच्छे गाने खा जाता है। बिल्कुल सही, क्योंकि लाहौर लाहौर महफिल यार गीत देखो, एक चीज़ मैंने इतनी रागों में दी लोग हैं लाहौर लाहौर, तो जो वो आवाज़ है वो जनता की, वो ऑडियंस की, वो खुदा के। मुझे आपके ये काम के ऊपर इतना फ़ख्र है अल्लाह की मेहरबानी से कि ये जो लाहौर की खासियत, जो ख़ास खास चीज़ें थी उसको जो आपने प्रमोट किया है और वो पूरी दुनिया में जिस जिसने सुनी है उसने इंजॉय किया है, और उसके अंदर जो रैप और सारा वो जो लाहौर की ट्रेडिशन थी खाने आज से में 20 साल पहले कहते चला मारे दादा दा मजार के यादगार है शाही मलिक जो जावा पावे पजे दे मकान देखे ठीक है। उसमें मेरे से पहले एक बंदा था बुलबुला था, उन्होंने किया था। अच्छा मैंने मेरे दिन में रैप नहीं था, मेरे दिन में कुछ और ही था, और उस टूर में आप और हम कटे थे, कटे थे, ये है 96 की बात ठीक है। और ये फिर 2000 में सॉन्ग आया था मेरे लाहौर लाहौर, फिर स्टिल अभी तक वैसे के पैसे। तो हमने कनाडा अमेरिका लंदन टूर किया, ये मैं क्योंकि हम सरदारों के यहाँ गए थे। हाँ जी बिल्कुल। और कहे महाराज कितों दे हो, मैं कहा जी लाहौर दे हुए होए जी, मैं लाहौर दे तक क्या यकीन करे सी कि साहब मैं तो स्टिल हो गया, मैं तो खो गया हूँ जैसे किसी मोहब्बत में नहीं खो जाते। मैं अब लाहौर का था और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो गांव भी ये है, हमारी शहर भी ये है, हमारा सब कुछ लाहौर ही है। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे कि वो जगह जहाँ रसूल पाक भी कहते हैं यहाँ से मुझे ठंडी हवा आती है, दाता की नगरी का है से बाकी बाकी शहरों के साथ ही। हालांकि मैंने फिर उसके उसके अलावा आधी दर्जन के करीब गाने गाए कि कराची है कराची, कितने अच्छे नज़ारे यहाँ लोग प्यारे प्यारे, अब्दुल्ला शाह गाजी है समंदर के किनारे, फिर मैंने गुजरात गुजरांवाला आला काची लमच का वे का ले लो चूस का पेशावर पे गाना किया, फिर मीरपुर पे किया। और लेकिन इसको खुदा ने सीजन दिया, क्या बताऊँ, बड़ी वर्सटैलिटी है, ये आपको क्रेडिट जाता है इसका। अभी रिसेंटली 2014 में मैं गया था तो ह्यूस्टन, एक शख्स ने ना एक बड़ी गाड़ी में जनाब ये आपका गाना चाहता लाहौर है, अरे वाह। और यकीन माने मैंने उसको रोक के पूछा मैंने कि भाई जी ये गाना आपको बहुत पसंद है, कहें जी बहुत पसंद है जनाब, क्या बात है। मैं कहा ये मेरे भाई का आपका प्यार है। अच्छा ये सबसे बड़ी बात है, काम वो करना चाहिए कि वो एक सिंगर गाना लगे, वो लोग समझे कि मेरा गाना है, आर्टिस्ट वो होता है। बिल्कुल सही, कि वो गाना ये ना समझे कि फलाने सिंगर गाने, वो उसकी फीलिंग लगे कि ये मैं हूँ। बिल्कुल सही। प्रोफाइल की बात कर मेरा गुफ्तगू तो हमारी बड़ी लंबी, हम तो कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। तो मेरा ख्याल है आपने मैडम नूर जहाँ का जिक्र किया, ताफ़ साहब का जिक्र किया, तो मैं भी एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ अपने घर में, अपने घराने में, जिसने पर्दा जो हमारी पर्दे के पीछे फैमिली वाली, तो मैंने बोला हटा के पर्दा कि जिनने लाहौर में तक जमे। तो मैं जब पैदा हुआ था तो मेरे वाले सब टॉप के म्यूजिशियन थे, उनको चांस मिला मनोज जरीफ साहब पकड़ के, क्योंकि ताबू साहब आप इतने टैलेंटेड म्यूजिक थे हमारे फिल्म, वो खलीफा नज़ीर साहब बहुत बड़े एक्टर भी थे कॉमेडियन, और इनकी बड़ी अच्छी केमिस्ट्री थी। ताबू साहब को उन्होंने टैलेंट देख लिया कि यार सबके तो म्यूजिक ये बनाता है तो क्यों ना जाए, ऐसे हमें भी देखा लोग। तो यकीन करें कि मेरे पास अभी भी चीज़ें हैं कि मैडम नूर जहाँ ने गोद में उठाया हुआ है। तो पहला गाना था जो मैं अभी सुना भी रहा हूँ कि सुन वे बलोरी अखबार, जो कि ख्वाजा परवेज साहब ने लिखा था, मैडम नूर जहाँ ताफ साहब और तारिक ताफू, मेरा इतना बड़ा प्रोफाइल है। और ताफ साहब का जो गाना है वो रिदम को, यानी रिदम को नया ट्रेंड दिया था उन्होंने। सारे इंडियन हमारे बड़े स्टूडेंट भी हैं और हिंदुस्तान बहुत काबिल है, कहते हैं यार आज तक हम ये रिसर्च कर रहे हैं कि यार ये रिदम क्या क्या ढिन टक टक ढिन टक टक, यानी गाने के साथ पीस भी हिट होना। तावा साहब ने ऐसा ट्रेंड, वो जमाना सीधा सीधा था ब्लैक एंड वाइट, तावा साहब ने तो मैडम नूरजहां को भी एक स्टाइलिश आर्टिस्ट बनाया ना, गुनी थी के सागर रोए इस टाइप के बड़े बड़े गाने, गुनी उन्होंने कहा नहीं आप जरा कमर्शियल भी हिट हो जाए, ये काम किया उन्होंने। आज हम ड्रम पे कह रहे हैं, तावा साहब ने तब आज से 40 साल पहले बोला, यानी ट्रेंड सेट लो। तो मेरा ख्याल है अगर आपकी इजाज़त हो तो क्यों ना मैडम नूरजहां और ताऊ साहब और ख्वाजा परवेज साहब, जरूर जरूर जरूर, जो कि हमारा सच है। हाँ जी ठीक है जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह प्लीज़।
वे बलोरी अखबालिया असा दिल तेरे नाल डालिया सुन वे बलोरी अखबालिया असा दिल तेरे नाल डालिया तेरी मेहरबानी मेरे हानी मेरा बन जा तेरी मेहरबानी मेरे हानी मेरा बन जा सुन वे बलोरी अखबालिया असा दिल तेरे नाल डालिया सुन वे बलोरी अखबालिया असा दिल तेरे नाल डालिया दिल अगे एक नहीं चलदे सामा बिच अग जई बलदे धोखा जमाने हथ खा लिया चुप गीत दिल नु गवा लिया सुन वे बलोरी अख पा लिया असा दिल तेरे नाल डालिया तेरी मेहरबानी मेरे हानी मेरा बन जा तेरी मेहरबानी मेरे हानी मेरा बन जा सुन वे बलोरी अख पा लिया असा दिल तेरे नाल डालिया सुन वे बलोरी अख पा लिया असा दिल तेरे नाल डालिया अजय तारिक साहब ये गाना सुन के मुझे याद आ गया कि जब ये फिल्म रिलीज हुई थी ये गाना सुपर डुपर हिट हुआ था तो आप उस पैदा हुए मैं थे बिल्कुल पैदा हुआ था सर और चिल्ले में था मैं अच्छा चिल्ले में जैसे कहते हैं मैडम मूजान मेरी वालदा काफू साहब खड़े हैं तो यंग इतने प्यारे लग रहे हैं और मेरा बाप कहता है ख्वाजा साहब यार बात सुनो मेरी पहली फिल्म है ये मेरा बेटा बड़े लक्की है तो इसकी आंखों पे गाना बनाओ सुन में बलोरी ये गाना मेरी आंखों पे मेरे वालिद साहब ने बनाया और फिर वालिद साहब देखिए कैसी खुदा की गर्मी है कि 25 दिसंबर को ताहो साहब पैदा हुए और 25 दिसंबर को मैं ही पैदा हम दोनों आई फील प्राउड बाप बेटा केक काटते हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी भी हमें प्यार करती है मुसलमान तो आए हैं हम चर्चों में जाके केक काटते हैं वहाँ भी हमारी दुआ होती है ये बड़ी ब्लेसिंग है बिल्कुल बिल्कुल सारे मजहब खुदा के हैं वाह वाह बिल्कुल बिल्कुल ठीक है तो बड़ा मैं लकी हूँ ये तो था जी हमारे प्रोफाइल सॉन्ग जो मेरे साथ ताफ साहब के साथ मैडम नूर जहाँ ख्वाजा परवेज साहब बड़े लोग फिर आखिरी गाना भी हमारे क्रेडिट में है अल्हम्दुलिल्लाह कि जिसमें मैडम नूर जहाँ की आवाज़ फिर बंद हो गई और इतना लेजेंडली जिसका वो कहते हैं ना रोजी रोटी वाले खुदा ऐसी शख्सियतें पैदा कर देते हैं जिससे जो आपके जो लाइट मैन को घोड़े वालों को वो सुल्तान आ गया जिनके साथ कोई 3-4 हज़ार लोगों की रोटी लिखी हुई थी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे लोग थे जिन्होंने मस्जिदें बनाई हैं उनका जिक्र ना करें तो जाते हैं बहुत जाती तो वो गाना दोनों को टैली कर रहा है मैडम नूर जहाँ को भी और सुल्तान रही उनकी आखिरी फिल्म उनका भी आखिरी और म्यूजिक ताफ साहब का तो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ की दमदा परोसा दमा बिना प्लीज तारिक साहब अल्लाह ताला ने आपको इतनी शोहरत दी इतनी इज्जत दी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी कंट्रीज में आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और बड़े बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम किया कोई तश्नगी कोई मजीद आगे काम करने का कुछ प्लान या आप समझते हैं कि बस मैंने इतना ही कर लिया नौजबिला आर्टिस्ट और समंदर कभी रुकता नहीं हाँ सही है ठीक है तो मैंने तो वैसे भी 2025 तक अपना काम कर रखा हुआ है ये लॉकडाउन ने और हमें मजबूर कर दिया कि हम अपना काम करते रहे अभी मेरा गाना लॉन्च होने वाला है नई चीज़ है कि वर्ल्ड आखदा है लाहौर जागदा है जो कि मैं दुबई बुर्ज खलीफा कर गया हूँ ऑस्ट्रेलिया में कर गया हूँ उससे पहले मेरे अंदर है पाकिस्तान वाह वो किया है बड़ी ज़बरदस्त और सैयद हबीबुल्लाह साहब है जिन्होंने लिखा था अभी वो जिक्र खैर भी करता बड़ा ही ज़बरदस्त है और पहली दफ़ा ये होगा कि मेरे अंदर है पाकिस्तान बड़ी बाकमान चीज बड़ी इसके अलावा बहुत सारे काम हैं जो फर्तन फर्तन सामने आएंगे
अभी मैंने लॉन्च किया है मेरे अंदर है पाकिस्तान। इसके अलावा मैंने अमजद साबरी के बेटे को शिगिर्द किया है। अच्छा वाह, साबरी फैमिली जो है वो ताफो के आगे की बात है। मैंने ट्रिब्यूट किया है कि ट्रिब्यूट टू अमजद साबरी, बड़े कमाल वो लॉन्च किया है। अभी मेरा ये आ रहा है वर्ल्ड आखद है तो ज़्यादा, और सारी ज़िंदगी हमने इंटरनेशनल टूर्स किए आपके साथ। हुआ जो बीच में जो एक शरारती होती है या शरारत होती है आर्टिस्ट, वो आर्टिस्ट को वो पकड़ लेता है। बिल्कुल, एक लाहौर के वाले से आप यकीन करो, मुझे पता नहीं क्या है, मैं जब भी कोई गाना चिक्की साहब बनाता हूँ यहाँ तो वो लाहौर पर बनता है ज़्यादातर, तो यहाँ वो माँ बाप पे बन जाता है। ये पता नहीं क्या, मुझे नहीं पता। तो बाकी भंगड़ा शंगड़ा बनाते रहते हैं, सारा कुछ होता है, चल रहे हैं चैनल पे हर चीज़, लेकिन मुझे मज़ा आता है दो चीज़ों पे काम करके, मुझे खुद मज़ा आता है। अच्छा, मुझे एक सवाल यहाँ करना है, ज़िंदगी में वो कौन सी ऐसी शख्सियत है जिनको आपने बहुत ज़्यादा प्यार किया? वो मेरे माँ बाप हैं दोनों। मैं हमेशा कहता हूँ और आज भी कह रहा हूँ कि माँ बाप के पास रहने के दो बहुत बड़े फ़ायदे हैं। माँ बाप के पास रहने के दो बहुत बड़े फ़ायदे हैं, एक आप बड़े नहीं होते, दूसरे वो बूढ़े नहीं होते। हाँ, तो हम ज़रा सेंटीमेंटल से बंदे हैं। मुझे याद है मेरी वालदा कहती तुम मैनू ज़्यादा प्यार करना कि प्यो नू करना। मैं कहा अम्मा जी, यानी मैंने धोखे देखिए, माँ बाप के करैक्टर किरदार होते हैं, बच्चों को ये नहीं पता, हर बच्चा समझता है माँ मेरे नाल ये बस या मेरा बाग बस ऐसी। तो मैंने अपने माँ बाप को थोड़ा सा उनसे सीखा कि ऐसा प्यार किया, मेरी वालदा ने मुझे बड़ी दुआएं दी। तो शायद इसी वजह से आपके सामने बैठा हूँ। वो वाल जो है वो तो मुझे कहते हैं यार तू जब मुझे से बाहर जाता है ना, अक्सर आपको पता उनके कितने फ़ोन आते हैं, बड़े फ़ोन आते हैं, तो कहा यार मैंने लादा मेरा पी हो गया है, तो मेरे लिए ये इतना ही काफ़ी है। तो माँ बाप तो फिर माँ बाप ही होते ना। तो आपने मेरा स्केल ही चेंज कर दिया पकड़। आज की जनरेशन के लिए मैंने एक मगू नहीं सुनाऊंगा, वो बाद में, जो आजकल की मम्मी डैडी बच्चे हाय बाय वाले, उनके लिए भी म्यूजिक वही है और वो कहेंगे जी हाँ, आप भी गाएंगे जी हाँ मेरे साथ, क्या कहेंगे जी हाँ, और मैसेज बड़ा जो चेक करेंगे। और गिटार को क्या आज के दौर की है चीजें, देखिए सीखी था कहता रिश्ता है, अच्छा रिश्ता है, माँ क्या है मत तो माँ, इनकी खिदमत करते रहे अल्लाह राजी हो जाएगा। माँ बाप करो जी हाँ, पूरे इनके साथ जी हाँ। तो ये मेरे से ये चीज़ें बन जाती है, खुदा ले लेता मेरे, तो मुझे समझ नहीं आती। हालांकि कोई ऐसा भंगड़ा कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हमारे नहीं बनते हैं। देख लें बरार के साथ हमने 20 साल मैंने म्यूजिक बनाया, उसके मेरी बीट में मेरे गानों पे आखिरी करोड़ भी आखिरी चेयर भी डांस कर रहे हैं। ये चीज़ें हैं जो जिंदा रहती हैं, सच की तरफ लेके जाती है। बिल्कुल सही, और इस वक्त जरूरी है और बहुत जरूरी।